आप क्या कहते हैं, उर्दू भी आपकी जो उर्दू है, हिंदी है, तेलुगु है, जो भी लैंग्वेज आपकी, वो भी बोल सकते हैं, और साथ में इंग्लिश ही बोल सकते हैं. ओके, यू कैन यूज बोथ लैंग्वेजेस, यू शुड यूज. ओके चलिए, पहला वन, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकेंड, सिंपल वन. ओके रिपीट आफ्टर मी, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकेंड, फॉर अ सेकेंड, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकेंड. ये एकदम इनफॉर्मल है. अब कोई फॉर्मल है, कोई बड़े आदमी को बोल रहे हैं आप, कोई बिजी है उनको बोल रहे हैं. ओके तो हम ये बोलेंगे उनको कि मे आई हैव अ वर्ड विथ यू, मे आई हैव अ वर्ड विथ यू. क्या मतलब, क्या मैं थोड़ी बात कर सकता हूं आपसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके इमेजिन यू आर अ पेरेंट, यू गो टू द स्कूल ऑफ योर चिल्ड्रेन. ओके यू गो देयर, यू सी द टीचर, यू कैन गो एंड टेल हिम, मे आई हैव अ वर्ड विथ यू. क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूं. ओके नेक्स्ट वन, ये और एक्सट्रीमली फॉर्मल है. ओके वी कैन से कुड यू स्पेयर अ मोमेंट प्लीज, मतलब क्या आप मेरे थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा बात करना है मेरे को आपसे. कुड यू स्पेयर अ मोमेंट प्लीज, कुड यू स्पेयर अ मोमेंट प्लीज. लास्ट वन, वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, हम क्या बोलेंगे, बट अ मिनट, खत्म. क्या मतलब, बात करना एक मिनट, बोलते रहो तुम्हें भाई एक मिनट, जरा हैदराबाद में क्या बोलते भाई, भाई एक मिनट, मतलब थोड़ा बात करना है, तो इंग्लिश में कहेंगे गॉट अ मिनट, गॉट अ मिनट, दैट्स इट. ओके रिपीट आफ्टर मी, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकंड, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकंड, मे आई हैव अ वर्ड विथ यू, मे आई हैव अ वर्ड विथ यू, could you spare a moment please, could you spare a moment please, got a minute, got a minute, okay that's it. chaliye bhai last topic, it's last isn't it. okay aap kisi se baat kar rahe hain, baat karne ke time ab agree hote hain unse. okay ab koi baat cheet mein kya hai, ab unse razi hai, to ab kya bolenge unse, agree ho rahe hain aap unse. आई एम अग्री कभी नहीं बोलना, बहुत बड़ी गलती है. आई अग्री विथ यू, अक्सर लोगों से गलती करते हैं. आई अग्री विथ यू, खत्म. आई अग्री विथ यू, बस. नेवर से आई एम अग्री, दैट्स अ ब्लंडर, दैट्स अ ब्लंडर. ब्लंडर का मतलब इतनी बड़ी गलती, पहाड़ गलती. ओके वन इज मिस्टेक, उनके बड़े भाई क्या है, ब्लंडर. ओके सो नेवर से आई एम अग्री विथ यू, ऑलवेज से आई अग्री विथ यू. क्या आप में से अग्री है, डू यू अग्री विथ मी, Do you agree with me? या फिर I disagree with you, या फिर I don't agree with you. आप बात करें तो आप बोलना agree कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे. First one, second one. For example, भाई, you and your friends are sitting and making plans. कुछ plan कर रहे हैं कहीं जाने का. So everybody is making suggestions. हर कोई राय देख रहा. Khadi said, let's go to a Mandi house. Masu said, let's go. In the outskirts of the city, बाहर जाएंगे शहर के. He said, let's go swimming, तैरने जाएंगे. अब हर कोई अपना मशवरा दे रहा, तो आप क्या बोल रहे हैं, भाई it's fine with me, मैं तो इसके लिए तैयार हूं, मतलब for this I am ready. तो हम क्या बोलेंगे, it's fine with me. Okay, for example you can say, when is a good time to call you, can I call you at 4 o'clock, it's fine with me. क्या टाइम पे कॉल करना मुनासिब रहता, 4 बजे कॉल कर सकता हूं मैं, तो क्या बोलते हैं, it's fine with me. चलिए It's fine with me. मतलब it's okay बोले ऐसा. मैं तैयार हूं. I'm available. I agree. Okay, you can say it's fine with me. Okay, let's go shopping today. It's fine with me. Okay, next. ये एक superior sentence है. I could not agree with you more. क्या दिख रहा है आपको दिखने में? मैं आपसे agree नहीं हो सकता हूं. I could not. लेकिन इसका answer, इसका usage क्या है? मैं आपसे कंप्लीटली अग्री करता हूं, इतना अग्री करता हूं इससे और अग्री नहीं हो सकता. मैं मेरी जो कैपेसिटी ऑफ अग्रीमेंट है ना, वहां तक पहुंच गया मैं, इससे आगे मैं अग्री हो ही नहीं सकता. समझे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आफ्टर क्लास लेट्स हैव अ पिज्जा पार्टी, क्लास के बाद हम क्या करेंगे, पिज्जा की पार्टी करेंगे, तो उसे क्या बोलते, आई कुड नॉट अग्री विथ यू मोर, इससे बड़ी अग्रीमेंट नहीं हो सकता हूं. तो दिस मीन्स, दिखने में तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है. क्या है ये? पॉजिटिव. You tell that you are completely 100% fully agreed. अब मुकम्मल राजी हो बात पे आप. Okay, repeat after me. I could not agree with you more. I could not agree
बिकॉज माय एग्रीमेंट हैज रीच द ब्रीमिंग कैपेसिटी, वहां तक पहुंच गया मैं, उससे आगे और नहीं हो सकता हूँ. ओके रिपीट आफ्टर मी, आई एग्री विथ यू, इट्स फाइन विथ मी, आई कुड नॉट एग्री विथ यू मोर. अब ये बोलना है, आप मेरे मुंह की बात छीन लिए बोलते बोलना है. ओके होता है यूजुअली, आप किससे बात कर रहे, बात करते करते आप बोल रहे आज ठंडा मौसम है बारबी करेंगे, बारबी क्यू दोस्त बोलते हैं, बारबी क्यू बोल के बोलते हैं, अरे यार मैं वही बोलने वाला था अभी, मेरे मुंह की बात छीन लिए तुम, समझ रहा. आपके दोस्त बोलते गर्मी बहुत है तीरने जाएंगे, वो क्या बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे अरे मैं बोलने वाला था उस्ताद, आप मेरे मुंह की बात छीन लिया, तो क्या बोलेंगे. दे आर स्टैंडिंग फॉर अ रीजन, देयर इज अ रीजन. ओके लेट्स आवर ऑनलाइन स्टूडेंट गिव द आंसर. आप मेरी दिल की बात छीन लिए, मुंह की बात छीन लिया. द आंसर इज यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ. आप मेरी मुंह की बात क्या करे छीन लिए. ओके रिपीट आफ्टर मी, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ. लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे, आपको ये बोलना है, आप मेरे दिल की बात बोल दिए भाई, क्या बोल दिया आप, मेरे दिल की बात बोल दिया. मीन्स यू आर डिस्कसिंग अ पर्सन, आप किसी बात कर रहे थे, एंड दैट पर्सन इज स्पॉइल्ड वन, बिगड़ा हुआ खराब इंसान है वो, तो बोल रहे भाई भरोसा ना करो उसके ऊपर, खराब आदमी है, तो आप बोलते सही भाई दिल की बात बोले आप मेरी, आई अग्री विथ यू, आई कुड नॉट अग्री विथ यू मोर. ओके आप मेरे दिल की बात बोल दिए. द आंसर इज यू हैव स्पोकन ऑफ माई हार्ट, यू हैव स्पोकन ऑफ माई हार्ट, आप मेरे दिल की बात बोल दिए. ओके चलिए आर रेडी फॉर द टेस्ट, नाउ इट्स द टेस्ट टाइम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी रेडी विथ फोन्स इन योर हैंड्स, बिकॉज यू हैव टू टाइप ऑल द आंसर्स, एंड यू गेट रेडी विथ पेंसिल्स एंड पेपर्स, पेन एंड पेपर्स. ओके एज यूजुअल यू हैव गॉट 10 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स. या 1 2 3 4 5, इट्स डैश विथ मी, यू हैव स्पोकन ऑफ डैश, बॉर्न डैश, मे आई हैव डैश विथ यू, स्पीक अप, यू आर नॉट डैश डैश. You have got 15 seconds, 20 seconds. Make sure you write all the answers in a single message. Online students, pure answers, ek mein likhe bhejiye aap log. Have you been getting answers? They will start. Are answers coming? Yeah. Shall I move on? Yes. The answers are very very easy. Okay. Because we recently discussed. Abhi padhe to aaya ho. It's fine with me. They have spoken of my heart, born, voyage, may I have a word with you, speak up, you are not audible enough. Chalye, next five. Can I call you back? You have a dash. Something dash. When is a dash to call? Talk to me, don't dash the call. Dash a moment. See you later, dash. Sixth one ke do line hai bhai. Can I call you back? Uske niche line wahi hai, something. डैश कुछ काम आ गया बोलते ना. यस शगुफ्ता टेल मी कैन आई कॉल यू बैक समथिंग समथिंग हैज कम अप गुड तरन्नुम सेवंथ वन व्हेन इज अ डैश टू कॉल सेवंथ वन व्हेन इज अ गुड टाइम टू कॉल खदीर एट्थ वन टॉक टू मी डोंट डैश द कॉल डोंट हैंग अप द कॉल नाइन्थ वन गौस Dash a moment. Hang on a moment. 10th one. Shanawas, see you later. Alligator. Kya muskura ke bol raha hai? Okay. See you later, alligator. Okay, I'll also see you tomorrow. This week we'll go on with same expressions. Means different topics, phrases for conversation, inshallah. We have got two more days. I will come with more topics tomorrow. And these days I'm not giving any homework to our online students. It doesn't mean that you should not practice at home. You should practice at home. You should use all these words in your life, daily life. Okay, first of all, make a phone call to someone and use all the sentences you learned today. Do you get me? So see you tomorrow. Until the next class, Assalamu alaikum.